जी क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको वैनिटी बॉक्स अपना दिखाऊंगी। मैंने ब्राइडल 2-3 दिन तैयार की थी, आज मैं फ्री हुई थी, मैंने कहा मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करूँ। ये देखिए ये मेरी क्रेलॉन की स्टिक्स हैं, ये 4 स्टिक्स हैं मेरी क्रेलॉन की, ठीक है। ये है 38, बेस 38 है, ये बेस FS45, ये है ये एक्वी है, ये हर किसी को लग जाती है हर किसी के फेस पे, और ये है FS36। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हाइलाइट्स। ये देखिए कितने खूबसूरत हाइलाइट्स हैं, ये मैंने मेहंदी पे यूज़ किया था। ये देखिए एक ये है, एक ये है, ये देखिए। मैंने कहा आज मैं आपके साथ अपना पूरा वारंटी बॉक्स शेयर करती हूँ। एक देखिए ये है, ये देखिए एक ये है, सिल्वर कलर है ये। उसके बाद ये मिस रोज का है, ये देखिए सिल्वर। उसके बाद ये भी शाइनर है, ये भी बहुत प्यारी, ये डस्ट शाइनर है। ये देखिए ये ब्लैक कलर है, स्मोकिंग स्मोकिंग आइज जब हम बनाते हैं ये उसमें यूज़ होता है, ठीक है। ये भी वाइट कलर का है, अगर आप उसको आईज के नीचे भी यूज़ इसको कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे हाइलाइटिंग वाले हैं, लाइट पिंक कलर है, ये स्मोकी कलर है, ठीक है, ये मैजिक पिंक कलर है, और ये भी स्मोकी डार्क कलर है। ये देखिए फिर उसके पास मेरे पास 3D भी हैं, ये देखिए 3D गोल्डन, 3D सिल्वर, 3D पिंक और 3D ग्रीन कलर का। ये देखिए उसके बाद मेरे पास ये लोकल भी हैं, ये हैं इसके शीके, ये शीके हैं। ये देखिए ये 3 मेरे पास ये भी हैं, एक ये भी है 3D। उसके बाद ये इस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, आपके फेस पे अगर डार्क सर्कल हैं या आपके मुंह पे पोर्स बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं और पिंपल्स हैं, तो ये हाइलाइटिंग के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए इससे आप पोर्स अपने बंद कर सकते हैं। ये देखिए ये 2 हैं मेरे पास। फिर उसके बाद ये मेरे पास क्रेलॉन का पैनकेक है, ये देखिए, ये देखिए पैनकेक है, ये भी मेरे पास पैनकेक है। ये देखिए ये मैंने 2 रखे हुए हैं। उसके बाद मेरे पास क्रेलॉन का ये डस्ट पाउडर जो होता है, ये वो है लूज पाउडर, सॉरी लूज पाउडर है ये। उसके बाद मैं आपको अपनी किट्स दिखाती हूँ। ये देखिए आई शेड पैलेट है ये, ये देखिए एक मैंने ये बहुत यूज़ किया है, इसके भी बहुत प्यारे कलर हैं, और मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। एक मेरे ये है आई शेड पैलेट, ये देखिए एक मेरे पास ये ग्लैमरस का है आई शेड पैलेट, ये देखिए, ये देखिए इसमें कितने प्यारे शेड्स हैं। ये देखिए उसके बाद मेरे पास एक ये है, ये देखिए, ये देखिए इसकी इतनी प्यारी थिकनेस है, इतने खूबसूरत इसके शेड हैं। ये देखिए हम इसको सिर्फ ये शीशा है, ये ब्लश ऑन है, ये देखिए कितने खूबसूरत इनके कलर्स हैं। ये देखिए मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ, ये देखिए उसके बाद ये मेरे पास हाइलाइट्स हैं, ये देखिए 3D हाइलाइट्स हैं। उसके बाद मेरे पास ये लिपस्टिक पैलेट है मिस रोज वालों का, ये देखें ST वालों का फेस पाउडर, एक ये है मेरे पास, ये देखिए एक मेरे पास
ये है मिस रोज सॉरी एसटी का, ये मिस रोज का है। एक ये है, एक ये ग्रैमर्स वालों का है हाइलाइटर, ये देखिए हाइलाइटर, ये देखिए, ये देखिए। एक मेरे पास गोल्डन में शेड में है, एक मेरे पास सिल्वर शेड में है, ये देखिए। वैसे मेरे पास तीन चार हैं। ब्राइडल को तैयार करते हुए हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब उसके बाद मैं आपको कंटूरिंग दिखाती हूँ, ये देखिए ये कंटूरिंग है, ये देखिए। एक ये है, इसमें फोर कलर्स होते हैं, मेरे पास फोर कलर पूरे हैं, ये देखिए। उसके बाद मैं आपको फाउंडेशन अपने चेक करवाती हूँ। ये मेरे पास फाउंडेशन है, मेरे पास मुसर्रत मिसबा का भी है, और मेरे पास एक लोकल भी है, और एक स्किन वालों का है, एक टच वालों का है, और एक लॉरियल वालों का है, ये देखिए आप। और इन ये बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है। ये मेरा सिर्फ ब्राइडल बॉक्स है, ये फुल मेरा ब्राइडल बॉक्स है, इससे मैं सिर्फ ब्राइडल का काम करती हूँ। ये देखिए अब मैं ये इसमें रख रही हूँ। ये देखिए उसके बाद ये मेरी लिपस्टिक है जो मैंने ब्राइडल को यूज़ कराई थी, और ये मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना खूबसूरत कलर है, ये देखिए। और उसके साथ मैंने ऊपर थोड़ी सी शाइनिंग के लिए मैंने ये लिप ग्लॉस भी यूज़ किया था, ये देखिए। ऐसे मेरे पास लिपस्टिक पैलेट था, मैंने उससे भी बहुत सारा मेकअप किया था, पार्टी मेकअप मैंने लिपस्टिक पैलेट्स के साथ किया था। और उसके बाद ये दो एक्स्ट्रा कलर जो मैंने बारात वलीमे पे सॉरी यूज़ किया कलर, ये दोनों कलर मैंने मिक्स करके वलीमे पे यूज़ किए थे। उसके बाद मेरे स्पंजिस का इतना बुरा हाल हो चुका है कि मैं आपको क्या दिखाऊं, ये देखिए मेरे स्पंजिस का क्या हाल हो चुका है काम कर करके, ये देखिए। उसके बाद ये मेरे हाइलाइटिंग के लिए मैं ये वाले ब्रश यूज़ करती हूँ, और ऊपर शिमर वगैरह लगाने के लिए शिमर ग्रेटर मैं ये यूज़ करती हूँ, उसके ऊपर शिमर लगाती हूँ। उसके बाद ये मेरी हांडी बेस है, ये मेरे पास एक्वा का ब्राउन कलर है और एक्वा का ब्लैक कलर भी है। आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी मेरे साथ कमेंट्स करके बताइएगा, आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का आपको मेरा मेकअप वाला ब्लॉग कैसा लगा। और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए मैं अब इसको वाइंड अप करने लगी हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं इसको बंद कर दूँगी। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको बिल्कुल बंद करूँगी, मैंने अपनी सारी चीज़ें जो है समेटनी शुरू कर दी, मैंने बॉक्स को अब किया बंद। ये बीच में मिस्टिक्स जो थी वो मैंने एक्स्ट्रा डाल दी थी और बॉक्स नहीं बंद हो रहा था, मैंने निकाली और फिर उसके बाद मैंने अपने बॉक्स को बंद किया। ये देखिए मैंने अपने बॉक्स को बंद कर लिया। उसके बाद ये देखिए ये लैशेस जो थी ये मैंने यूज़ की थी ब्राइडल आईज़ के लिए, ब्राइडल के लिए मैंने यूज़ की थी, पार्टी मेकअप पे भी यूज़ की थी, लेकिन ये इतनी पार्टी मेकअप पे यूज़ नहीं होती हैं, ये ज़्यादातर बारात मेहंदी और वलीमे की ब्राइड्स को ही लगती हैं। और ये 3D हैं और बहुत खूबसूरत लैशेज़ हैं। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसी लगी हैं ये लैशेस, और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अच्छा उसके बाद ये मेरे ब्रशेस थे, ये ब्रशेस पैक था। ये देखिए मेरे ब्रशों का बहुत बुरा हाल हो चुका था, बहुत गंदे हो चुके थे। इसके बीच में कंटूरिंग भी है, ब्लश ऑन भी है, आई मेकअप वाला भी है, ब्लेंडिंग वाला भी है, फलां 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 सारे ब्रश जितने भी होते हैं।
इसके बीच में मेरे सारे ब्रशेस थे और ये बहुत खूबसूरत ब्रशेस थे, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद ये मैंने मेहंदी पे दुआ को लगाया था, बालों पे जूड़ा बनाया था, उसके बीच में मैंने ये ऐड किए थे और बहुत खूबसूरत ये फूल ऐसे लग रहा था जैसे मोतिये के फूल हैं और बहुत प्यारे लग रहे थे ये इसके बालों पर लगे हुए। और उसके बाद मैं आपको दिखाती, देखिए मेरे ब्रश कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फिर उसके बाद मेहंदी पे ये रेड रोज़ भी लगाए थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये है तो आर्टिफिशियल है लेकिन देखने में यूं ही लगते हैं जैसे ओरिजिनल है। आपको मेरी वीडियो कैसी की लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।